नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राइट टू शिक्षा में। आज हम बात करेंगे कैसे सरकार भारत की तस्वीर बदल के रख देने वाली कहानी को, जिसने ना जाने कितने शोषित वर्गों का एम्पावर किया है, वो दुनिया के सामने पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को स्वच्छ भारत मिशन को फोकस में रखकर बनाए गए राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करेंगे। यह केंद्र राजघाट के पास स्थित है। यह केंद्र स्वच्छ भारत मिशन पर इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस यानी परस्पर संवादात्मक अनुभव पर आधारित होगा। इस सेंटर को महात्मा गांधी को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा 10 अप्रैल 2017 को गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर की थी। इस केंद्र में आने वाली पीढ़ियों को दुनिया के सबसे बड़े बिहेवियर चेंज कैंपेन स्वच्छ भारत मिशन की सफलता यात्रा के बारे में बताया जाएगा। आरएसके में डिजिटल और आउटडोर इंस्टॉलेशंस का एक बैलेंस्ड मिशन स्वच्छता और संबंधित पहलुओं पर जानकारी, जागरूकता और शिक्षा प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का दौरा करने के बाद सभागार में दिल्ली के 36 स्कूली छात्रों से बातचीत करेंगे, जो 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रिप्रेजेंट करेंगे। हॉल नंबर 1 में दर्शक 360 डिग्री का अनूठा ऑडियो विजुअल कार्यक्रम देखेंगे, जिसमें भारत की स्वच्छता की कहानी दिखाई जाएगी। हॉल नंबर 2 में कई माध्यमों जैसे कि इंटरैक्टिव LED पैनल से स्वच्छ भारत के गांधी जी के सपने को हासिल करने के लिए किए गए कामों की कहानी बयां की जाएगी। वहां पे होलोग्राम बॉक्स और इंटरैक्टिव गेम्स की एक श्रृंखला भी होगी। स्वच्छ भारत मिशन ने भारत में ग्रामीण स्वच्छता की सूरत बदल दी है और 55 करोड़ से अधिक लोगों की खुले में शौच करने की आदत को बदल दिया है। भारत को इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से काफ़ी सराहना मिली और हम दुनिया के लिए एक मॉडल बन चुके हैं। इस वजह से हमारे देश में काफ़ी बीमारियां भी कम हुई हैं और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और हेल्थ में भी सुधार आया है। लेकिन अब यह मिशन अपने दूसरे चरण में है, जिसका उद्देश्य भारत के गांवों को खुले में शौच से मुक्त करना है, ताकि ग्रामीण भारत को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया जा सके। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।